मेरे सारी सोनी सोनी YouTube फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जुम्मा मुबारक सबको। और हम लोग रेडी शेडी होके इस टाइम जा रहे हैं कहाँ वो अभी नहीं बताऊँ। क्या हम रियाद जा रहे हैं आदि? नहीं बताऊंगी, इसीलिए मेरे साथ रहिएगा क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और इतनी सुबह सुबह दोपहर में कड़ी धूप में कहाँ जा रहे हैं और वो भी जिद्दा में, ठीक है। और आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखने को मिलने वाली है, बहुत अच्छा वेदर देखने को मिलने वाला है। तो लेट्स गो। शोरमा शोरमा है और कुछ नहीं खुला हुआ, सब बंद है। बच्चों को भूख लग रही है ना, आपके लिए लेना है? चले ले ले, ठीक है। हम लोगों को लगी हुई है भूख, बच्चों को भी लगी हुई है भूख। हमने उठते साथ ही कुछ नहीं खाया, तैयारी शियारी में लग गए, रेडी शेडी होके निकल आए बस हम लोग। तो बस अभी खाएंगे शोरमा, फिर आगे चलते हैं और आगे की वीडियो शेयर करूंगी। लेट्स गो। आगे शोरमे और पता नहीं अब कैसा होगा ये शोरमा यहाँ का। चॉइस नहीं थी ना, अभी चॉइस होती तो हम कुछ करते हैं। पता नहीं मैंने इसको बुर्गो बुर्गो बोला, उसमें बर्गर बना दिया। क्या बुर्गो बुर्गो क्या होता है? बुर्गो बुर्गो चिकन होती है, मैं वो बनाएंगा, मेरे बर्गर बना दिया पागल है। हम लोग करने लगे हैं आप शोरमा एंजॉय, तब तक के लिए बाय बाय। चेक पोस्ट तो शमेश ये बंद कर दिया उन्होंने, चेक पोस्ट। अंदर ये लोग बैठते हैं ताकि धूप में ना खड़े हों। पहले क्या होता था, ये बाहर खड़े होते थे धूप में तो लोगों को रोक नहीं पाते थे क्योंकि धूप बहुत सारी है, यानी सन पड़ रहा है आफ्टरनून में, को पता है गर्मी कितनी होती। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अंदर बैठ के वो चेक करें। एक चेक पोस्ट जो है इन्होंने क्लोज कर दी है, पहले ये वाली थी ना। यस, पहले मक्का की चेक पोस्ट ये वाली थी। एक बज के 9 मिनट हो रहे हैं और ये हम अभी कॉफी एंजॉय कर रहे हैं, अभी तक सफर में ही है। फ्रेंड हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, हम लोग आए हैं ताइफ। अभी जो ताइफ का मौसम है, जो व्यू है, वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लेट्स गो, मेरे व्लॉग को एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ये ताइफ का रिंग रोड, इसका नाम है अलहदा। इस रोड को ऊपर चढ़ने के लिए आप लोगों को गाड़ी में सबसे पहले ये बात जो है ना याद रखनी चाहिए कि गाड़ी का एसी वेसी सब बंद होना चाहिए। पे जाएं तो आप अपनी गाड़ी का जो है एसी ऑफ रखें, वो गाड़ी के लिए भी अच्छा है, एसी के लिए भी अच्छा है और गाड़ी हीटअप भी नहीं होती, चाहे जितनी अच्छी गाड़ी। यस, और अगर आप लोगों के साथ बच्चे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए चिंगम वगैरह, या छोटा बच्चा है तो उसके लिए फीडर में पानी वानी रेडी रखें क्योंकि बच्चों के हो जाते हैं कान बंद। पहले जब हम रियाद से जिद्दा आते थे तो हम ताइफ को कोई लिफ्ट नहीं करवाते थे, तो अभी मैं गाड़ी में खूब हंस रही थी अदिल के साथ कि जब हम लोग सफर करके आया करते थे तो ताइफ को इस तरह से हम टेढ़ी आंखों से देख के गुजर के जाया करते थे जैसे हमें जद्दा जाना है और हमारा प्लान जद्दा तक ही है, इसको तो
देखना ही नहीं है। लेकिन अब हमारी तैयारी शियारी से आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी कि हम ताइप घूमने आए हैं। जी मुझे खुद को खुद पे भी हंसी आ रही है कि हम इतने तैयार श्यार होके रेडी शेडी होके हम ताइप घूमने जा रहे हैं। ये भी मैं बात बता दूं कि जो मेरे व्यूवर्स सऊदी अरब से देखने वाले हैं उनको तो पता ही होगा ताइप का, और जो व्यूवर्स मेरे पाकिस्तान से देख रही हैं, जो मुझे सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली जो पाकिस्तान से देख रही है, जो मेरी सोनी सोनी बहनें मुझे पाकिस्तान से देखती हैं, फॉलो किया हुआ है मुझे, जो मुझे कमेंट्स भी करती हैं, उनको मैं ये बता दूं कि ये हमारा पाकिस्तान का, जैसे आप लोगों का इस्लामाबाद का मरी है, हमारा ये मिनी सा मरी है सऊदी अरब का। हब्बा 30 टाइप की ब्यूटीफुल चीज हमने ले ली है, फ्लावर्स। अच्छा, पहले नहीं मिलते थे? यस, ये पहले नहीं, वो मौसम के हिसाब से आते होंगे ना। ये नहीं, ये नया ट्रेंड निकाला है ना, पहले एक दो महीने पहले से देख रहा है वैसे, बट पहले ये देखिए। और इतनी प्यारी, ओ इतनी प्यारी खुशबू है, बहुत ज्यादा। ये लो बेटा, लेकिन ये बड़े हैं इन लोगों के सर से। और कोई साइज नहीं है साइज का? यस। अच्छा, ये इस तरह से हम पहनेंगे। यस मम्मा, मैं अपना कैचर उतार रही हूँ। अच्छा, कैचर उतार के आप लोग ये पहन लीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी शहजादियाँ कैसी लग रही हैं, आयशा, इनाया, जैना। ओ इनाया मेरी बहुत क्यूट लग रही है माशाल्लाह से। कमेंट्स में बताइएगा, जैनब सो रही है, जैनब उठेगी तो जैनब का ये मेरे पास है, और बताइएगा कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। अच्छा जी, हमारे प्लान का जो पहला हिस्सा था कि बच्चों को सबसे पहले बिठाना है केबल कार्स पे, तो बस बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा टिकट्स लेकर आएं और हम जो है ना अपनी जो है इंजॉयमेंट शुरू करें। तो मौसम बहुत अच्छा था, मौसम इतना अच्छा था कि हवा बहुत ज़्यादा अलहदा पे ठंडी ठंडी लग रही थी और दिल और दिमाग को सुकून सुकून मिल रहा था। चलो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। ये जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स आए हैं, पहले उनकी टर्न है, फिर हमारे टर्न है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं बैठने के लिए। जी बाय बाय। खूब इंजॉय किया था हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया इसमें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कैसा लग रहा है आशा इनाया? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है। I remember then का पहले कोई और नाम था, बिना समा, समा के नाम से टाइप सीजन, टाइप समा नाम है। अच्छा, देयर इज अ सीजन आल्सो फ्रॉम 1st टू 31st अगस्त लिखा हुआ है, ये सीजन चल रहा है टाइप का। अच्छा, जैसे हमारे पाकिस्तान में चल रहा है ना, मरीवरी में लोग जा रहे हैं, हां यहां पे टाइप का भी चल रहा है। अच्छा, द प्राइस ऑफ फुल कैपिंग। अच्छा, 1 मिनट, प्राइस बता दे। प्राइस जो फुल कैपिंग की प्राइस है वो है 350 रियाल और 2 1 एडल्ट की है 85 रियाल। ये देखिए, हम इसी रिंग रोड से
बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और ये जो दिन का व्यू है ना, ये मिस नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसी जगहों पे प्लान जो है ना दिन का ही होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रात का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आने का। दिन ही दिन में आप लोग आए, इंजॉय करें और जो है अपने व्यूज जो है ना अपनी मेमोरीज में कैच करें और घर को जाएं। ये मंकीज़ देर, मंकी। ओ, ये पार्टी चल रही है। ये हम हैं और ये मंकीज हैं और इनकी पार्टी चल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे का व्यू। मंकीज़, मंकीज़, ओ इनकी तो में पार्टी चल रही है यहाँ पे। बहुत सारी है, बहुत सारी। ओ हाँ ये है, ये यहाँ आ सकती है? नहीं ऊपर नहीं आ सकती बेटा, ये पूरी बारात है भाई। बारात इस टाइम टॉप पे जा रही है, इनको पता है इस टाइम जो होगा ये आफ्टरनून या इवनिंग, इवनिंग हो गई, सन्नाटा हो गया। अच्छा ये शीशे ऊपर हुए हुए हैं ना? यस। नीचे क्लोज ले जाते हैं, क्लोज करना है। अच्छा डिपेंड ऑन वेदर पे ना, अभी तो कोल्ड नहीं है ना। बहुत मजे का हो रहा है, हालांकि धूप है लेकिन हवा में ठंडी फील हो रही है। ये मेरी शहजादियां मेरा और अदील का फर्स्ट टाइम नहीं है, क्योंकि हम मरी में भी बैठे थे, मरी में बैठे थे बच्चे मेरे, लेकिन बहुत ज्यादा छोटे थे उस वक्त, इनको याद भी नहीं है। और मैं और अदील जो है ना स्विट्जरलैंड में बैठ चुके हैं, तो इनका उदास हूँ। उदास है आप क्यों? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अबा जब जाएंगे फिर जरूर लेंगे। नीचे वाटर पार्क है ये देखिए ड्राइव का। अब लगता है ड्राइव करके थके हैं और यहाँ जो है ना नींद पूरी कर। नहीं भाई फ्रेश हवा ले रहा हूँ, पूरा महीना बता काम करता है, जुम्मे की छुट्टी मिलती है तो बंदा रिलैक्स करे फैमिली के साथ, थोड़े एंजॉय करे। अब मैं एंजॉय, ये कौन सा एंजॉय है? लेट जाना, सो जाना, ऐसे थोड़ी एंजॉय होता है भाई। आपको ये बताइए, जो मुझे देखे, मैं वीडियो भी बना रही हूँ आप लोगों के लिए, व्लॉग भी बना रही हूँ आप लोगों के लिए, और मैं साथ साथ टिकटॉक भी बना रही हूँ, हमारे पास, और मैं उसके साथ साथ पिक्चर्स भी खींच रही हूँ। ये एंजॉय होता है कि मैं हर थोड़ी देर में व्लॉग भी बना रही हूँ, वो भी शूट कर रही हूँ, फिर थोड़ी देर में मैं जो है थोड़ा सा सीन मैंने टिकटॉक में भी कैच किया है, थोड़ा सा जो है पिक्चर्स भी निकाली है। मैं काम कर रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं फन कर रही हूँ। जॉब करते हैं, हमें प्रेशर बहुत है, बंदे को सुकून चाहिए थे एक दिन के लिए, जो हम अभी ले रहे हैं करके। अच्छा जी, जी हाँ, आप सोने आए हैं यहाँ पे, स्कूल लेने आए हैं यहाँ पे। एक हम है कि पूरे मोबाइल का सारा सिस्टम हम ही चलाएं और बाद में सारा क्रेडिट इनको मिल जाए। होम मिनिस्टर हो गए मोबाइल की। वाटर पार्क का सीन, इस वाटर पार्क इस तरफ पहले लेडीज का हुआ करता था, इन्होंने हटा दिया लेडीज का, ये लेडीज का उस तरफ है शायद, इस तरफ पता नहीं, लेडीज का इन्होंने आगे पीछे कर दिया, है ही नहीं लेडीज का। अच्छा पहले लेडीज का होता था, अब पूरा वाटर पार्क जो है, मगर इट्स नॉट अ फैमिली वाटर पार्क एक्चुअली, लेडीज का उस तरफ होगा आदि उस स्लाइड में शायद। नहीं देखे ना जेंट्स है ना, हर तरफ वैसे हर तरफ ही जेंट्स है। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी,
वेव्स आती हैं। से उतरना बेटा आराम से, वाटर की थैली। अच्छा जी, हम उतर चुके हैं वाटर पार्क का। ये सारा व्यू है, यहाँ मजलिस है, गावा है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये आप पानी का शोर चेक करें, जबरदस्त पानी का शोर, और इतना सुकून मिल रहा है, इतना दिल को कि दिमाग फ्रेश हो गया है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट प्लान था टोबो गन का, जो कि टाइप में एक न्यू एक्टिविटी ओपन हुई है। ये वाटर पार्क का देखिए सीटिंग एरिया है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इन्होंने जो है ना सीटिंग एरिया बनाया हुआ है, और मजलिस स्टाइल भी है, गावा भी है। ये हम टोबोगन की तरफ जा रहे हैं। इसकी जो टिकट है वो भी आप लोगों को बताती चलूँ, इसकी टिकट है 40 रियाल पर पर्सन। तो बहुत मज़ा आने वाला है, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं बैठूँगी टोबोगन में और आप लोगों को चीखें सुनाई देंगी। ये हमारे प्लान का सेकंड हिस्सा था, और ये हम पहुंच चुके हैं टोबोगन की तरफ। जी हाँ, ये टोबोगन है, और अदिल साहब लेने जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन के बच्चे भी हमारे साथ बैठ सकते हैं कि नहीं, और बच्चा एक ही अलाउ है। अदिल साहब जिस तरह वहाँ पूछ रहे हैं, बच्चा एक ही आप बिठा सकते, बैठ जाएंगे ना। चलो पहले मैं बैठूंगी। किस तरह बिठाया आपने? अच्छा, इस तरह बिठाना है। बैठो, आयतल कुर्सी पढ़ लो। पढ़ी है आयतल कुर्सी? पढ़ ली है, कह रही पढ़ ली है। अच्छा, ब्रेक कैसे लगानी होगी? आदि बता क्यों नहीं रहा ये? आदि इसको बोलो, समझाए पहले हमें ब्रेक ब्रेक कैसे लगानी है। मैं बहादुर बन के बैठ तो चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत जोर से धक धक कर रहा है, और जिस तरह वो अदीन साहब को समझा रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ वैसे वैसे बेल्ट ढूंढ ढूंढ के, उसके पुर्जे ढूंढ ढूंढ के मैं भी फॉलो कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे बेल्ट को बांधना है, वो जिस तरह से समझा रहा है। और बच्चा आप एक ही बिठा के जा सकते हैं, जिस तरह से मैंने आप इनाया को बिठाया है अपने आगे। अच्छा जी, ये बेल्ट तो लगा ली मैंने, जगह मिल चुकी है मुझे, और इसकी जो ब्रेक है वो समझा रहा है, जिस तरह मुझे जिस तरह समझ आ रही है वो ये है कि ब्रेक को जो है ना आपने जिस तरह आगे जितना करेंगे ये उतनी ही तेज़ आगे जाएगी, आप अगर पीछे करेंगी ये स्टक हो जाएगी और ये रुक जाएगी। और इसको अगर हम छोड़ देंगे तो वो नॉर्मल स्पीड पे आपकी जो है ना, हाँ तेज हो जाएगी। हाँ, जब आप वापस आओगे ना, हाँ, तो ये वापस नहीं आएगा। अच्छा, ये फिर नॉर्मल स्पीड पे रहेगी ना ये? अच्छा, एक मिनट आदि, अगर ये ऐसी रहेगी तो फिर ये नॉर्मल नीचे ही करना पड़ेगा, ज्यादा नीचे करेंगे तो ज्यादा स्पीड होगी। अच्छा, यानी ब्रेक लग जाएगा, छोड़ दूंगी तो सही। ये देखिए, जिस तरह से मैंने अदील साहब से पूछा है वो मुझे बता रहे हैं, यानी कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो ये रुकी रहेगी, अगर मैं आगे की तरफ पुश करूंगी तो ये चल पड़ेगी, और जितनी मुझे स्पीड चाहिए मैं इसको उतना ही नीचे पुश करूंगी या मीडियम रखूंगी। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह।
ये बहुत ऊंचाई की तरफ हम लोग जा रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और ये स्पीड जो है ना मेरी अपनी मर्जी से है कि जितना हैंडल मैं नीचे करूंगी ये इतनी तेज ऊपर जाएगी, जितना अगर मैं स्लो करूंगी मीडियम रखूंगी तो ये स्लो चलेगी, क्योंकि पीछे वाली भी गाड़ी ब्रेक नहीं मार सकते, आप इसमें स्लो कर सकते हैं, अगर आप रोक लेंगे तो पीछे वाले स्पीड। इनाया डर तो नहीं लग रहा ना? ये देखिए भाई, शायद मेरी वजह से स्लो स्लो आ रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है ना ब्रेक, मुझे वीडियो भी बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, और ब्रेक जो है ना कहीं मैं स्लो लगा रही हूँ कहीं मैं तेज़ लगा रही हूँ, तो मुझे अभी ये खुद भी समझ नहीं आ रही। वो मेरी वजह से शायद स्लो स्लो आ रहे हैं क्योंकि मैं स्लो चल रही हूँ, तो वो भी नहीं भा। ब्रेक कहाँ लगेगा? आप हैंड ऊपर करना जब ब्रेक लगाना होगा। बिस्मिल्ला। कहाँ नीचे करूं? अब आयशा की टर्न है, तो अदील साहब लेके जा रहे हैं आयशा को। भाभी फिर भी नहीं बैठी, भाभी को बहुत डर लग रहा था, तो सिर्फ अदील अपनी और आयशा की टिकट लेके चले गए आयशा को जो है ना एंजॉय कराने के लिए वो दूर नजर। आयशा मजा आया? मजा आ गया? पापा को थैंक्स बोला? थैंक यू पापा। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं वापस ऊपर नेक्स्ट प्लान की तरफ, और प्लान हमारा नेक्स्ट क्या है वो आप लोगों को मैं आगे चल के बताती हूँ। बहुत सुकून आ रहा है पानी के पास आके। We are back. Yes. अब हम वापस जा रहे हैं ऊपर, यहाँ काफी गर्मी है नीचे और बच्चों को बहुत पसीना आ रहा है, तो बस ऊपर थोड़ी ठंडी हवा थी तो बस अब ऊपर ही जा रहे हैं वापस।
ये यहाँ इंजॉय कर लिया बहुत ज़्यादा। आई होप कि आप लोगों को भी मेरे साथ साथ मज़ा आया होगा। भूख लगी हुई है बच्चों को, तो बस अब ताज़े जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद का क्या प्लान है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। ये देखिए कहीं बादल आए हुए हैं और कहीं हल्की हल्की सी धूप है, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। थीम पार्क की जो है ना, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर जो फैमिलीज़ वाले जो बच्चों को लेकर आते हैं उनके लिए ख़ास इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ के जो झूलों की टिकट्स हैं 10-10 रियाल है और विद टैक्स 11.5 रियाल आपको पड़ेगा और बहुत अच्छा है, सस्ता है। अच्छा जी, ताज़ेज खा लिया है और हम बाहर आ गए हैं। आदिल साहब ने की थी पार्किंग दूर और लेकर आ रहे हैं गाड़ी, तो बस हम इधर वेट कर रहे हैं, जैसे आएंगे बैठेंगे और फिर दोबारा अपनी किसी लोकेशन में जाते हैं तो आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ। फिर निगामा माफी गामा फिर रुखसा माफी रुखसा ये लरोबा के साथ अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और वो है जू पार्क, जहाँ पे हम आए हैं स्पेशल, जिसके लिए रेडी शेडी होके सुबह सवेरे हम उठ के आ गए। आप लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन के आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे सके इस व्लॉग के ज़रिए, और अंदर क्या क्या है एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए बड़ों के लिए वो मुझे भी नहीं पता, मैं भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट करूँगी। अलावा अंदर क्या क्या है वो हम आपको एंट्री ले के ही दिखाएँगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि अंदर और क्या बाकी चीज़ें हैं, और उसकी जो टिकट की इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको एंट्री लेके इन्फॉर्मेशन देती हूँ। Fires.
Fires. अच्छा जी, मगरिब के टाइम तो हमने एंट्री ले ली है, लेकिन मैंने अदील साहब को कहा कि पहले जाके डॉल्फिन शो की इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि डॉल्फिन शो की एक टाइमिंग होगी। अदील साहब जा रहे हैं डॉल्फिन शो की जो है ना टाइमिंग का पता करने, क्योंकि जू तो हम बाद में भी घूम लेंगे, तो पता करते हैं कि क्या टाइमिंग। देख रहे हैं फ्रूट, इसका नाम है बरशुमी। ताइफ का मशहूर फ्रूट है ये अक्सर पहाड़ियों में इसके जो पौधे हैं ताइफ में जगह जगह रख, और बहुत ही मीठा होता है। ये है अलहदा का रात का व्यू, ये भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को रात का भी व्यू दिखाऊं। ये ताइफ का सबसे मशहूर थीम पार्क शलाल है। को पीछे सुला दो, सो जाओ इनाया, आराम से बेटा सो जाओ। टी टाइम। यस, आपकी हबक वाली कोयले की टी। जी हाँ, क्या खुशबू आ रही है यार, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपके रिज़्क में खैर और बरकत दे, आमीन। देखिए हबक टी जी, ये है रात का व्यू रिंग रोड का, दिन में तो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है, और ये है रात का। टाइफ का हो गया है ट्रिप खत्म, हमारी हो रही है वापसी घर को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चे थके हारे पीछे सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के उठे हुए, दोपहर के उठे हुए थे हम सब, और बस यही कोशिश थी कि सुबह सुबह का व्यू देखें, सुबह सुबह का बच्चों को जो है टाइम टू टाइम हमने जो प्लान किया था वो प्लान के मुताबिक हुआ है सब कुछ, जिस तरह से हमने कहा था कि हम तरह से हमने टोबो गन का जो टाइम टेबल सेट किया था, जिस तरह हमने केबल कार का टाइम टेबल सेट किया था, और जिस तरह हमने डॉल्फिन शो का टाइम टेबल सेट किया था, सब टाइम पे हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम टाइम पे निकले थे और उसी टाइम पे ही वापस जा रहे हैं जिस टाइम पे हमने प्लानिंग की थी कि इस टाइम पे हमने बैक टू होम जाना है। तो बस
वही सब कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये व्लॉग वॉच करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा, और मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट्स तो करते ही हैं, पूछते ही हैं, और जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, शब खैर, अल्लाह हाफिज़।